प्राइम मिनिस्टर यूनुस खान ने डीडवाना की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्री यूनुस खान ने कहा है कि 30 अप्रैल से डीडवाना के लोगों को 2400 घंटे शुद्ध और मीठा पेयजल मिलने लगेगा। मंत्री के मुताबिक 30 अप्रैल तक नहर का पानी डीडवाना पहुंचा दिया जाएगा। डीडवाना में अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने गए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। उनके मुताबिक इस योजना पर 3000 करोड़ की लागत आई है, जिसे केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर वहन किया है। कांग्रेस के नेता पर कि जो सड़क स्वीकृत हो गई, जिसका वो क्या बोलते हैं टेंडर हो गया, उसका बढ़ाने का ज्ञापन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत देरी से पढ़ा। ये तो मैंने बजट में घोषणा करवाई थी मुख्यमंत्री जी से, बजट की घोषणा थी और मतलब जो है अब वो ज्ञापन दे रहे हैं। उनको एक सूची मैं आपके माध्यम से और भिजवाता हूँ, जो सड़कें मैं बढ़ा रहा हूँ उनके ज्ञापन भी दे दे, जो जो काम मैं कर रहा हूँ तो जिससे उनको क्रेडिट मिल जाए। वसुंधरा जी की सरकार में कि जो काम असंभव हो उसको संभव कैसे बना दिया, और जब हमने 30 अप्रैल कह दिया तो 30 अप्रैल को ही आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस के लोग हाईकोर्ट में गए थे एक किसान को लेकर के, और उन्होंने इस काम को रुकवाने का अथक प्रयास किया कि ये पानी नहीं आए, लेकिन धन्यवाद उस किसान को कि उसने अपना सहमति दे दी और प्रशासन ने उस काम को दुरुस्त कर दिया। 30 अप्रैल का मतलब 30 अप्रैल, ये एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में और सामान्य जन के रूप में ये हमारी तपस्या थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को कि उन्होंने इस नागौर जिले को जब 2003 से आज मुख्यमंत्री थी, जब 761 करोड़ 1 लाख रुपए दिए और अब की बार 2938 करोड़ रुपए दिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 28 अक्टूबर 2015 को यहाँ आई, उन्होंने अपने हाथ से इसका शिलान्यास किया। मैं फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हर बजट में इसका प्रयोजन किया। उसी खबर पर और जानकारी के साथ संवाददाता शबीक उस्मानी हमारे साथ जुड़ गया है। शबीक, बताएं कितने लोगों को इस परियोजना से फायदा पहुंचेगा 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल माना जाए। हालांकि मंत्री जी ने दावा किया है कि 30 अप्रैल तक डीडवाना पानी पहुंच जाएगा, लेकिन क्षेत्र में जिस तरह से काम चल रहा है उससे हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन मंत्री यूनुस खान का ये कहना है कि 30 अप्रैल तक डीडवाना में नहर का पानी पहुंचा दिया जाएगा। और अगर नहरी पानी योजना की बात करें तो बरसों से नागौर जिले के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी की जो कमी है उसे नहर का पानी दूर करेगा, हिमालय का मीठा पानी नागौर की जनता को मिलेगा। इसके लिए नहरी पानी योजना का दूसरा चरण है, उसमें 7 बड़े शहर और 986 गांवों को जोड़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि 7 बड़े शहर नागौर जिले के और उसके अलावा 986 गांव है उनके बाशिंदे हैं वो नहरी पानी योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। पानी की कमी बहुत बड़ी समस्या रही है नागौर जिले में और इसी समस्या को हर पार्टी ने चुनावी वादा बनाया है, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी है वो इस वादे को पूरा नहीं कर पाई थी। हालांकि अब ये दौर आ गया है, अंतिम चरण में है पानी की योजना और उम्मीद की जा रही है कि साल 2018 में जो भी लक्ष्य तय किया गया था नागौर जिले की जनता को पानी पहुंचाने का वो तय कर लिया जाएगा। जी शबीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने जोधपुर का दौरा किया, इस दौरान वो सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया से बात